Hello everyone, today's explanation video is going to be on the film Aranmanai 4 which is recently released in 2024. So without any delay, let's start the explanation of the movie. फिल्म की शुरुआत होती है और हम असम में एक पंडित और उसकी बेटी को देखते हैं जो कि नाव से एक गांव की तरफ जा रहे होते हैं। उस गांव में एक मंदिर है जहां आज बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। अब जिस वक्त दोनों नाव से जा रहे होते हैं तो उस दौरान पंडित की बेटी के हाथ में चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून निकल कर नदी में गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद पंडित जिस चप्पू से नाव चला रहे होते हैं वो चप्पू फंसकर टूट जाता है। फिर जब वो अपनी बेटी को देखते हैं तो उनकी बेटी कच्ची मछली खा रही होती है। इस मछली को जो लड़की खा रही थी वो दरअसल पंडित की बेटी नहीं थी बल्कि वह एक शैतान थी जिसे बाघ कहा जाता है जो कि किसी का भी रूप ले सकता है। इस बाघ को 100 साल पहले गांव के कुछ बाबाओं ने इसी नदी के पानी में कैद किया था जो कि पानी में खून मिलने और चप्पू लगने से आजाद हो गया था और फिर उसने पंडित की बेटी को मारकर उसका रूप ले लिया था। ये बात पंडित को भी समझ आ गई थी। अब वो गांव के नजदीक थे जहां के मंदिर में अम्मन देवी की पूजा हो रही होती है। अब क्योंकि इस पूजा के दौरान बाघ कमजोर होता है इसलिए इसका फायदा उठाकर पंडित उस बाघ की आत्मा को एक लोटे में कैद कर लेता है। अब क्योंकि अगर कोई बाघ की आत्मा को कैद कर लेता है तो बाघ उसका गुलाम बन जाता है और उसे वही सब करना पड़ता है जो उसे कैद करने वाला कहे। इसलिए पंडित बाघ से कहता है कि तुम्हें अब हमेशा इसी तरह मेरी बेटी के रूप में ही रहना होगा ताकि मेरी वाइफ को पता ना चल सके कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर बाघ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो आजाद होना चाहता था लेकिन अब पंडित का गुलाम बन गया था इसलिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। इसके बाद सीन यही कट होता है और हमें तमिलनाडु में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सर्वानंद होता है जो एक वकील होता है और सर्वानंद की एक बहन भी है जिसका नाम सिल्वी है। सर्वानंद सिल्वी से 10 सालों से नहीं मिला है क्योंकि सर्वानंद की बहन ने 10 साल पहले लव मैरिज की थी जो कि सर्वानंद के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वो जिंदा थे इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ दिया था। वैसे सर्वानंद को अपनी बहन की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन अपने पिता की वजह से वो भी उससे बात नहीं कर पाया जिसका उसे आज भी बहुत अफसोस है। सिल्वी शादी के बाद कहाँ रहती है सर्वानंद को नहीं पता। फिर हमें सिल्वी दिखाई जाती है जो कि एक छोटे से गांव में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है। सिल्वी की बेटी का नाम शक्ति है और उसके बेटे का नाम सर्वानंद है। सिल्वी ने अपने बेटे का नाम अपने भाई के नाम पर रखा है। अब एक दिन जब सिल्वी का पति वॉक पर गया होता है तो वही बाघ सिल्वी के पति को मार देता है और उसका रूप ले लेता है। फिर वही बाघ सिल्वी के पति के रूप में घर आ जाता है और सिल्वी से बच्चों के बारे में पूछता है। यह सुनकर सिल्वी को अपने पति पर शक होता है और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हम सिल्वी को कुएं में फांसी पर लटका देखते हैं। दूसरी तरफ सिल्वी की बेटी शक्ति कुएं के पास बेहोश पड़ी होती है और उसके सर पर चोट लगी होती है। वहीं सिल्वी का बेटा छुपा हुआ होता है। अब गांव वालों को सिल्वी के पति की लाश मिल गई थी। यहां पर हैरानी वाली बात ये थी कि सिल्वी गांव वालों के साथ अपने पति की लाश को देखने गई थी यानी कि वो सिल्वी के भेष में बाघ होता है जिसने सिल्वी को मारकर उसका रूप ले लिया था। इस इंसिडेंट को गांव के प्रधान के बेटे रवि ने देख लिया था। रवि एक यूट्यूबर होता है इसलिए उसने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। दूसरी तरफ सर्वानंद को खबर मिलती है कि उसकी बहन ने खुदकुशी कर ली है और के पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इस खबर से सर्वानंद शॉक रह जाता है और उसे बहुत दुख होता है। फिर वह जल्दी से अपनी आंटी के साथ सिल्वी के गांव चला जाता है। फिर जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि सिल्वी की बेटी के सर पर चोट लगने से वह कोमा में चली गई है लेकिन यहां पर एक राहत वाली बात ये थी कि सिल्वी का बेटा ठीक है। शक्ति का ट्रीटमेंट डॉक्टर माया कर रही है जो कि उस घर के मकान मालिक की बेटी है। अब इस गांव में 2 दिन बाद अम्मन देवी की पूजा होने वाली है जिसमें लाखों लोग इस गांव में दूर दूर से आते हैं। इस वजह से उस गांव का पुलिस वाला सिल्वी के केस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उसे फेस्टिवल की सिक्योरिटी पर ध्यान देना था। पुलिस वाला सर्वानंद से कहता है कि ये केस खुदकुशी का लग रहा है इसलिए इसमें ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत नहीं है लेकिन सर्वानंद को यकीन था कि उसकी बहन खुदकुशी नहीं कर सकती, उसे जरूर किसी ने मारा है, इसलिए सर्वानंद खुद ही अपनी बहन के कातिल का पता लगाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ घर में भूतिया घटनाएं होने लगती हैं। सिल्वी के बेटे को घर में किसी की आत्मा दिख रही थी जो कि उसके साथ खेलना चाह रही थी। घर में किसी आत्मा के होने का एहसास सर्वानंद की आंटी और डॉक्टर माया को भी होता है। वहीं सर्वानंद की मुलाकात जब रवि से होती है
तो रवि उसे बताता है कि सिल्वी की मौत के बाद उसने सिल्वी को फिर से गांव वालों के साथ देखा था। इसी के साथ वो सिल्वी के हस्बैंड से उनकी मौत से पहले मिला था और उसने हर जगह किसी बाबा को भी देखा था। फिर जब सर्वानंद रवि के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखता है तो उसमें उसे वही बाबा दिखाई देता है जो कि हर जगह सिल्वी के हस्बैंड पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ हम उसी बाबा को सर्वानंद के घर के बाहर देखते हैं, जिसे कोई अनजान शक्ति घर में एंटर नहीं होने देती। वहीं घर के अंदर इस अदृश्य शक्ति का एहसास डॉक्टर माया और घर में मौजूद बाकी सभी लोगों को भी हो रहा होता है। दूसरी तरफ कोई आत्मा रवि की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है। उस गाड़ी में रवि के साथ सर्वानंद भी होता है। फिर जब सर्वानंद एक परछाई का पीछा करते हुए जंगल में जाता है तो उस दौरान रवि को कार के अंदर सिल्वी दिखती है जो कि उसे मार देती है। फिर जब सर्वानंद जंगल से वापस आता है तो उसे रवि और उसकी गाड़ी नहीं दिखती है। फिर अगले दिन सर्वानंद को रवि की गाड़ी जंगल में मिलती है जहां बगल में रवि की लाश भी पड़ी होती है। इसके बाद रवि इस बारे में पुलिस को बताता है और वह इस सब का जिम्मेदार उसी बाबा को ठहराता है। रवि का मानना था कि यह सब वह बाबा कर रहा है क्योंकि वही हर जगह मौजूद होता है। फिर सभी जब रवि के कैमरे को चेक करते हैं तो रवि की मौत के दौरान उसका कैमरा ऑन था और उसकी मौत के बाद वही बाबा कैमरे पर नजर आया होता है। फिर सर्वानंद नोटिस करता है कि जिस वक्त वो पुलिस से बात कर रहा होता है तो वही बाबा अभी उन पर नजर रख रहा था। फिर जब रवि और पुलिस वाले बाबा को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह भाग जाता है, मगर उन्हें उस बाबा की गुफा मिल जाती है। फिर जब वो वहां जाते हैं तो उस गुफा को देख के ऐसे लग रहा था कि यहां कोई बड़ी पूजा की गई है। फिर उन्हें वहां पर सिल्वी, सिल्वी के हस्बैंड और रवि की फोटो भी मिलती है। साथ ही वहां पर सिल्वी की बेटी शक्ति की भी फोटो होती है। यह सब देखकर पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि जरूर वही बाबा यह सब कर रहा है। फिर हम उस बाबा को देखते हैं जो कि एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ा होता है और उसके हाथ में उस पुलिस वाले की भी फोटो होती है। अब सर्वानंद को पता चलता है कि कल पूजा वाले दिन यानी 15 जून को शक्ति का बर्थडे है और 15 जून को ही रवि का भी बर्थडे आता है, जिसका जन्म शक्ति से 10 साल पहले हुआ था। और फिर पुलिस रिकॉर्ड चेक करने पर सर्वानंद को पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर का बर्थडे भी 15 जून को ही आता है, जिसका जन्म रवि से 10 साल पहले हुआ था। यानी कि तीनों का बर्थडे सेम 10-10 साल के टाइम पीरियड में है और वो पूजा भी 10 साल के टाइम पीरियड में ही होती है, इन तीनों के बर्थडे वाले दिन 15 जून को ही। इसी के साथ इन तीनों की बॉडी पर एक लाल तिल भी होता है। ये चीज भी तीनों में सेम थी। इसका मतलब ये था कि जो भी ये मर्डर कर रहा है वो सेम बर्थडे और तिल वाले लोगों को ही मार रहा है, और इनके बीच अगर कोई भी और आता है तो वो भी मारा जाता है। अब सर्वानंद को मालूम था कि अब पुलिस वाले और शक्ति की जान को खतरा है, इसलिए वो माया से कहता है कि तुम शक्ति का ख्याल रखो, मैं पुलिस ऑफिसर को ढूंढने जाता हूँ। फिर वो पुलिस ऑफिसर को ढूंढने जंगल में जाता है। वहीं जंगल में वो बाबा उस पुलिस ऑफिसर को बेहोश करके उसके ऊपर मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तभी वहां पर सर्वानंद आता है और वो बाबा से लड़ने लगता है। अब जिस वक्त दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है तो तभी पुलिस ऑफिसर की बॉडी हवा में उड़ने लगती है और फिर पुलिस ऑफिसर की बॉडी नीचे गिरकर कुछ शार्प चीजों के ऊपर गिर जाती है, जिससे पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है। ये देखकर वो बाबा सर्वानंद से कहता है कि तुमने सब गड़बड़ कर दी, मैं इस पुलिस ऑफिसर को बचाना चाहता था लेकिन इसे भी उस बाघ ने मार दिया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वो बाबा उन सभी लोगों को मारना नहीं बल्कि बचाना चाहता था। इसके बाद हम उसी पंडित को देखते हैं जिसे मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। अब वो पंडित जब मंदिर में आता है तो वो मंदिर के टॉप को देखकर डर जाता है, फिर वो अपने घर की तरफ भाग जाता है और फिर सीन यहीं पर कट होता है। हम पंडित को सिल्वी के घर देखते हैं जो कि सिल्वी की बेटी से मिलना चाह रहा होता है। फिर उसे घर के अंदर आने दिया जाता है। घर के अंदर आने के बाद उस पर कोई अदृश्य शक्ति हमला करने लगती है। अब पंडित को चोट तो लग रही थी लेकिन उस पर उन चोट का ज्यादा असर नहीं हो रहा था। इसके बाद पंडित जब शक्ति को देखता है तो वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वही अदृश्य शक्ति पंडित को घसीट कर बाहर कर देती है। ये सब देखकर माया और आंटी डर जाते हैं। फिर हम सिल्वी की आत्मा को देखते हैं जो कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही होती है, यानी वो अदृश्य शक्ति और कोई नहीं बल्कि सिल्वी ही थी। फिर इसी के साथ सिल्वी की बेटी शक्ति कोमा से बाहर आ जाती है और वो ठीक हो जाती है। वहीं दूसरे दिन उसी बाबा को पुलिस स्टेशन में लाया जाता है, जहां पर वो बाबा सब कुछ बताता है कि 100 साल पहले कुछ बाबाओं ने बाघ को कैद कर लिया था लेकिन वो आजाद हो गया है।
अब वो किस तरह आजाद हुआ ये हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब वो बाबा आगे बताते हैं कि वो बाघ फिलहाल पहले से कमजोर है और उसे फिर से ताकतवर होने के लिए तीन ऐसे लोगों को मारना होगा जिनका जन्म 15 जून को हुआ हो, यानी जिस दिन अम्मन देवी की पूजा होती है हर 10 साल बाद। और इसी के साथ इन लोगों के शरीर पर जो लाल तिल है वो शक्ति तिल है। इन लोगों को अगर वो बाघ ठीक पूजा से पहले मार दे तो बाघ पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, इतना ताकतवर कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। अब क्योंकि बाघ ने रवि और पुलिस वाले को तो मार दिया था, इसलिए उसे सिर्फ अब सिल्वी की बेटी शक्ति को मारना है ताकि वो फिर से ताकतवर हो सके। ये सुनकर सर्वानंद जल्दी से घर जाता है ताकि वो शक्ति को बचा सके। फिर कुछ देर बाद बाघ पुलिस स्टेशन पर हमला करता है, लेकिन वो बाबा उस बाघ को भगा देता है। अब सर्वानंद गांव के प्रधान से मिलने जाता है जो कि उस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद था। अब सर्वानंद को प्रधान की गाड़ी की डिग्गी में बाबा की लाश मिलती है, यानी कि जब बाघ ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया था तो उस वक्त उसने बाबा को मारकर उनका रूप ले लिया था। अब बाबा की बॉडी में मौजूद वो बाघ उस जगह पहुंच जाता है जहां सिल्वी की बॉडी को दफनाया गया था और वो सिल्वी की डेड बॉडी को बाहर निकालता है ताकि वो सिल्वी की आत्मा को उसमें डालकर उसका अंतिम संस्कार कर सके, ताकि सिल्वी की आत्मा को इस धरती से जाना पड़ी, जिसके बाद बाघ को रोकने वाला कोई नहीं होगा। फिर वो सिल्वी की आत्मा को तंत्र मंत्र से वहां खींच लाता है। इसके बाद बाघ और सिल्वी की आत्मा के बीच भयानक लड़ाई होती है। अब इस लड़ाई में वो बाघ कमजोर पड़ने लगता है, इसलिए वो बाघ और आत्माओं का सहारा लेकर सिल्वी को हरा देता है और उसकी आत्मा को उसके शरीर में डाल देता है और फिर सिल्वी की बॉडी को जला देता है, जिसके कारण सिल्वी को इस दुनिया से मुक्त होना पड़ता है। फिर तभी सर्वानंद वहां पहुंचता है। अब सिल्वी की आत्मा जाते हुए सर्वानंद से कहती है कि कुछ भी करके उसके बच्चों को बचा लो। फिर वो बाघ शक्ति को मारने के लिए घर पहुंचता है, लेकिन उससे पहले माया शक्ति को लेकर घर से भाग जाती है और उस टेम्पल में पहुंच जाती है जहां देवी माँ की पूजा शुरू हो गई थी। साथ ही सर्वानंद वहां शक्ति को बचाने के लिए पहुंच जाता है और बाघ भी शक्ति को मारने के लिए वहां आ जाता है। अब सर्वानंद शक्ति को बचाने के लिए वहां बनी राक्षस की मूर्ति के अंदर चला जाता है। बाघ भी उसका पीछा करते हुए उस मूर्ति के अंदर चला जाता है। फिर सर्वानंद शक्ति को लेकर राक्षस के सिर वाले हिस्से तक पहुंच जाता है और फिर शक्ति को लेकर उसकी आंख से बाहर कूद जाता है। और वो बाघ भी जब उस राक्षस की आंख पर पहुंचता है तो तभी देवी की पूजा भी पूरी हो जाती है और फिर देवी की मूर्ति से त्रिशूल छूटकर राक्षस की मूर्ति की ओर आता है। फिर हमें अम्मन देवी दिखाई जाती है जो कि त्रिशूल लेकर बाघ पर हमला कर देती हैं और फिर आखिरकार बाघ देवी के द्वारा मारा जाता है, जिसकी वजह से शक्ति, सर्वानंद और सभी लोग बच जाते हैं। फिर मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि सर्वानंद ने फैसला किया है कि वो अब इसी गांव में रहेगा और उस घर को हॉस्पिटल में बदलने पर काम करेगा, क्योंकि इस गांव में हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत है और डॉक्टर माया का भी यही सपना है। फिर हम शक्ति और उसके भाई को देखते हैं जो कि बॉल से घर में खेल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उनके साथ कोई अदृश्य शक्ति भी खेल रही होती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।